चलिए अब इनको रख दिया जाए, कल हो गई करवा चौथ। इतने दिन से वेट कर रहे थे करवा चौथ, और करवा चौथ का फेस्टिवल भी हो गया, तो चलिए इनको रख देते हैं इनकी जगह पर। नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मजे में होगी। सो आज है करवा चौथ से नेक्स्ट डे से भी नेक्स्ट डे, और जो मैंने क्लिप दिखाई थी ना वो करवा चौथ से नेक्स्ट डे की थी, तो वो थोड़ी सी मैंने कैप्चर कर ली थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है कि भाई मैंने इतना सामान उठा करके रख दिया है, आप लोगों ने भी रख दिया होगा। तो लीजिए करवा चौथ, करवा चौथ, करवा चौथ लीजिए। करवा चौथ का फेस्टिवल भी गया, अब आएगी अहोई अष्टमी, और अहोई अष्टमी शायद थर्सडे की है। तो बताइएगा कि कौन कौन अहोई अष्टमी का व्रत रखता है, क्योंकि हर कोई नहीं रखता है। करवा चौथ का तो ऑलमोस्ट सभी रखता है, पूरा हिंदुस्तान रखता है, या फिर ये कहूँ हर भारतीय लेडीज जो होती है वो करवा चौथ का फेस्टिवल रखती है। तो अहोई अष्टमी का लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर कोई नहीं रखता है, लेकिन हम लोग तो रखते हैं। तो आप में से कौन कौन है जो रखता है बताइएगा। और पूजा भी दो तरीके से की जाती है, कुछ लोग होते हैं जो सनराइज में ही पानी देख करके और फिर पूजा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो रात में ही तारा देख करके और फिर जल ग्रहण मतलब खाना खाते हैं, पूजा करते हैं। मतलब डब्बे जो मिठाइयों के आते हैं ना, इन्हें मैं उठा करके रख लेती हूँ। जब जैसे कोई मिठाई बनाती हूँ ना, तो इन्हीं डब्बों में सर्व करती हूँ। GMB का डब्बा है, इसी के से हमारे यहाँ मिठाई आती है हमेशा। दोस्तों दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, तो सफाइयाँ तो जोरों शोरों पे स्टार्ट हो गई होगी। मेरी तो ऑलमोस्ट डन हो गई है, बस मुझे है ना ये फैन साफ करना है। यहाँ की जो लगी हुई है ना, ये क्या बोलते हैं ना, ये दरवाजे से लगी हुई है ना, इनको साफ़ करना है। और किचन मेरा क्लीन ही है, लेकिन जो ऊपर वाली जो ड्रॉर है ना, उनको मुझे साफ़ करना है, क्योंकि मैंने वो साफ़ नहीं करी थी चढ़ने के डर से, क्योंकि मुझे ना ऊंचाई से थोड़ा सा है ना डर सा लगता है। लेकिन किसी दिन करूँगी, मतलब यही लास्ट बचा है मेरा, तो इनको भी मुझे क्लीन करना है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे सफाई जो है वो आपने स्टार्ट कर दी है क्या, और कर दी है या नहीं कर दी है बताइएगा। अपना अपडेट भी दे दिया कीजिए मुझे, मुझे भी पता चलता रहे कि इस दुनिया में क्या चल रहा है या मेरे दोस्तों के बीच में क्या चल रहा है। तो चलिए चाय बनाते हैं। अब ये भी बस मैंने पूजा करी है और उसके बाद मैंने अभी चाय वाय नहीं पी, तो चाय बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। और क्या हुआ? क्या क्या लाया? जूता और एक है लड्डू। अच्छा, और 2 करोड़ रुपए। अच्छा, और बस दिखाइए जूते काले आ गए। घुसर लाया क्या? शर्ट तो लाता, तेरी छोटी हो गई वो। माय ओय हर्षित के आ गए जूते। यो यो अच्छे स्कूल के तो ऐसे ही होते हैं, और क्या ऐसे घुमाए नहीं, एक होते हैं बिना लेस के, जो ये लेस बंधवाता है ना तू, तो लेस वाले तो अच्छे होते हैं, लेस आपको ऐसे होनी पड़ेगी बस, घुमाना नहीं आता। अरे वैसे वाले जूते होते हैं ना जो बिना लेस के घुस जाते हैं, इस वजह से बांधने की दिक्कत है। हमारे स्कूल में गर्ल्स पहनती हैं, इसलिए हमें ला है। इसी पैर में लग रही है क्या? नहीं, पहन जाएगा कल। धरती को आके सरप्राइज, मतलब पति ने आके सरप्राइज दे दिया कि जाना है सरप्राइज ली। सरप्राइज ली, कल भी सरप्राइज, आज भी सरप्राइज, आई एम सरप्राइज। इतने हस्बैंड जी उन्होंने कहा कि सडनली तैयार हो जा। हर्षित को तो मैंने कर दिया है तैयार, और हर्षित लग रहा है हीरो, और हीरो बनने के बाद इतरा रहा है ना। अब मैं हो रही तैयार, आकर के अचानक से बोले कि जाना है, अभी बज रहे 8 और 8:15 बजे आकर के बोल रहे कि जाना है। मैंने बोला इतनी जल्दी, फिर मैंने इसको तैयार कर दिया। अब मैं तैयार हो रही हूँ, मुँह नहीं धो रही मैं तो, हर्षित मुँह नहीं धो रही मैं तो, सही है मुँह तो सही है ना, अभी शाम को ही तो धोया था। Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous.
और इन केस अगर आप सोच रही हो कि मैं किसके बर्थडे पार्टी में आई हूँ, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जैसे चाचा ताऊओं के होते हैं ना, ऐसे ये ना मेरी देवरानी की बेटी है ये, और उसका बर्थडे, उसका बड़ा मन था कि मेरा बर्थडे मनाया जाए। बर्थडे का ये पिंक ड्रेस वाली है जिसने प्रिंसेस वाला वो लगा रखा है, और पास में उसकी मम्मी है, और साइड में जो ये केक सर्व कर रही है वो उसकी छोटी वाली बहन है। तो आप सभी बर्थडे गर्ल को शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स के। वो कहते हैं ना कि बेटी अपनी हो या पराई हो, लेकिन दुआ यही करनी चाहिए कि सबको है ना अच्छा घर परिवार मिले, अच्छी लाइफ मिले, हैप्पी लाइफ मिले।